गुरु घर विच प्रचार दे तीन माध्यम मने गए ने, कीर्तन, कथा और ढाडी प्रसंग। कीर्तन बंदगी है, कथा गुरबाणी दी विचार है और ढाडी प्रसंग इतिहास दी रूपरेखा दा चित्रण है। मेरा स्वभाव कुदरत ने और गुरु दी बख्शिश द्वारा गुरबाणी विचार दा बनया है कि ए विचार समूह घरां विच और दूर दूर तक लोकां नूं सुनाई देन, तां उन्हां दी प्रेरणा नाल मैं ए कैसेट टेप रिकॉर्ड कराए ने, जो पंज हैं जिन्हां विच वक्ख वक्ख गुरबाणी दे मजमून ने, अलग अलग विषय ने। और इन्हां पंज कैसेट दे विच मैं गुरबाणी दी जिहड़ियां जरूरियां विचारां सन गुरु दी बख्शिश द्वारा संगतां दे सामने पेश कीतियां ने। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशीलं ममं शीलं सर्वपावने मम पावन सर्वकर्तवे ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिपियते। मनुखी तन दी जो खोज कीती गई है, इसका कुछ हिस्सा अस्थूल है और अस्थूल जरूरतां दे खड़ा है, कुछ हिस्सा सूक्ष्म है, उदियां लोड़ां भी सूक्ष्म ने। उंज ते अणगिणत पदार्थ इस जीवन नूं चाहीदे ने, पर चार पदार्थां दी महानता गुरबाणी ने ते अन्य धर्म ग्रंथां ने विशेष रूप विच कथन कीती है। और उह चार पदार्थ ए ने, धर्म, अर्थ, काम, मोख। दो पदार्थां दा संबंध संसार नाल है और दो पदार्थां दा संबंध अध्यात्म नाल है। वो पदार्थ भी गुप्त ने, क्योंकि आत्मा गुप्त है। संसार दा जो प्रगट हिस्सा है, जो गुप्त हिस्सा है, वो ते निरंकार है, ते निरंकार दा जो प्रगट हिस्सा है वो संसार। असीं देखदे हां मकान दिखाई देंदा है, बुनियादां नहीं दिखाई देंदियां। दरख्त दिखाई देंदा है, जड़ां नहीं दिखाई देंदियां। शरीर दिखाई देंदा है, आत्मा नहीं दिखाई देंदी। लेकिन आत्मा है, जड़ है, निरंकार है। पत्तियां दी शाखां दी अपनी लोड़ है, जड़ां दी अपनी लोड़ है, शरीर दी अपनी लोड़ है, आत्मा दी अपनी लोड़ है। धर्म, अर्थ, काम, मोख का दाता पूरी भई सेमर सेमर विधाता। वह जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान है कि वह चार पदार्थां दा दाता है। इतनी गल तो स्पष्ट है कि दाता परमात्मा तो बिना होर कोई भी नहीं। सब जगत भिखारी है, असी स्वयं भी भिखारी हाँ। सानू बहुत कुछ भिक्षा दे रूप विच मिले है, जिस तरह भिखारी दी पात्र विच भिक्षा पै जांदी है, इस तरह सानू ये जीवन मिले है, ए उस दी देन है, उस दी दात है। ये जो इंद्रे ने, ये भी उस दी देन है, उस दी दात है। साड़ी अपनी चीज ते उही हो सकती है जो असी बनाई है या बाजारों खरीदी है। तो इस तन नू असी ना खरीदे है, ना ही बनाया है, इस वास्ते सानू दान विच मिले है, साड़ा नहीं है। साड़ी उही चीज हो सकती है जो असी आप बनाते हैं और बाजारों खरीद के लेंदे हां। यह जो जबान है, ना असी बनाई है, ना खरीदी है, सानू दान विच मिली है। यह जो अखां ने, सानू दान विच मिलियां। चश्मा असी बाजारों जरूर खरीद के लेंदे हां, पर यह जिहड़ी अख है, यह बाजार नहीं मिलती, यह सानू दान विच मिली है। हो सकदा है पैसों नाल पत्थर की अख मिल जाए, पर यह अख नहीं मिल सकती जो उसकी देन है, उसकी बख्शिश है। प्लास्टिक दे हाथ मिल सकते हैं,
पर यह बावां नहीं मिल सकदियां जो परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दित्तियां ने। यह जीवन सानू दान विच मिलिया है। सूरज चंद तारे सानू दान विच मिले ने। साडे घर विच बिजली जलदी है, महीने तो बाद बिल देना पैंदा है, पर अनंत काल तो यह सूरज अगम्मी रोशनी दे रहा है, मुफत विच दे रहा है। यह सानू दान विच मिल रही है। वगदी हुई पवन सानू दान विच मिली है, पानी सानू दान विच मिलिया है, ग्रह नक्षत्रां दा असर, उन्हां दी रोशनी, चंद्रमा दीआं किरणां, सब कुछ सानू दान विच मिलिया। परिपूर्ण परमात्मा एक बहुत वड्डा दाता है, बहुत वड्डा दाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी दा फरमान है, ऐ बंदे तू अपनी झोली वड्डी कर, वह देण लग्यां संकोच नहीं करदा, वह ते बहुत देंदा है, पर कई दफा तेरी झोली छोटी आउंदी है, वह डुल जांदा है, इधर उधर चला जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का कथन है, तू गिला ना कर, तू मंग भी ना कर, अपनी योग्यता वधा, अपना पात्र वड्डा कर, अपनी झोली वड्डी कर, और जब झोली वड्डी होवेगी सब कुछ तेरी झोली च पै जाएगा। इस वास्ते सतगुरु की बाणी ने उन्हां मनुखां नूं इयाणा कह दिता है, बच्चा कह दिता है, जो अपनी झोली ते वड्डी नहीं करते लेकिन मंगा बहुत वड्डियां मंगदियां, बहुत वड्डी वड्डी मंग लैंदे, लेकिन पात्र योग्यता उन्हां दे कोल उस ढंग दी नहीं आउंदी। अगर मनुख ने धन मिल गया है, इज्जत मिल गई है, मान मर्यादा मिल गई है, तो समझ लेना चाहिए यह योग्यता उस दे कोल है। अगर नाम का रस नहीं मिलिया, धर्म का प्रकाश नहीं मिलिया, तो समझ लेना चाहिए यह योग्यता मनुख दे कोल अजे नहीं है, इसका इहदे कोल अजे पात्र नहीं है। तो पातशाह दी बाणी दा फरमान है, मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहे हो सुजाना। जो मंगन वाला है वह ते इयाना है, नादान है, वह देन वाला ते बिना मंगया ही देई जांदा है। अणमंगया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो, बिना मंगया ही सानू मां बाप मिले, बिना मंगया ही सानू ए तन मिलिया, बिना मंगया ही सानू ए सूरज चंद तारे मिले, जमीन मिली, वगदी हुई पवन मिली, रसना मिल गई, हाथ मिल गए, पैर मिल गए। इतनी अगम्मी दौलत अगर बिना मंगया सानू मिल सकती है, तो फिर सानू अपनी योग्यता वधानी चाहिए है, और भी बहुत कुछ मिल सकता है, और भी बहुत कुछ मिल सकता है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का यही फरमान, ए मनुख तू अपनी योग्यता वधा, मंग कुछ भी ना, मंगण वाला ते इयाना है, मंगण वाला ते नादान है। दरअसल ईश्वर दे नाल दो तरह दे संबंध जगत दे लोकी जोड़दे ने। कोई ईश्वर नूं मंगदा है, कोई ईश्वर दे कोलों मंगदा है, ते कोई ईश्वर नूं मनदा है। मनना होर गल है, मंगना होर गल है। मनण ते मंगण दे च जमीन आसमान दा फर्क है। एक कहिंदा है, हे ईश्वर मैं ते सिर्फ तेनू मनदा, तेनू मनण दे च ही मेरी खुशी है, तेनू मनण दे च ही मेरा रस है, तेनू मनण दे च ही मैनू आनंद है। ते एक कहिंदा नहीं, मैं ते ईश्वर दे कोल मंगदा। यह जिहड़ा मंगदा रिश्ता हुंदा है, यह कोई बहुत वड्डा नहीं हुंदा, यह कोई बहुत खास नहीं हुंदा। कारण मंग पूरी हो जाए तां वी रिश्ता टुट जांदा है, मंग ना पूरी होवे तां वी रिश्ता टुटता है। मंग ना पूरी होवे गिले जाग पैंदे ने, मंग पूरी हो गई तां कशिश घट जांदी है, क्योंकि जिस कशिश दा मारिया होया यह मंग रहा सी ते नेड़े आ रहा सी, मंग दी ते पूर्ति हो गई। इस वास्ते अक्सर देखण नूं आया है कि जिन्हां दी झोली बहुत भर गई है, जिन्हां दीआं कुछ मंगां पूरियां हो गईआं, उन्हां दे अंदर धर्म दी कशिश, अवतारां दी कशिश, महापुरशां दी कशिश घट जांदी है, क्योंकि मंग पूरी हो गई है। इस वास्ते अक्सर धर्म मंदरां विच दरम्याने तबके दे लोग बहुत ज्यादा आउंदे ने, जिन्हां दी मंग नाल झोरी भर गई है, बहुत कुछ मिल गया है, कई दफा वह बूआ भी भुल जांदे ने धर्म मंदरां दा। तो खैर, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान एक बड़ा अगम्मी शब्द है आपदा। आप फरमान करदे ने, हौं ढाडी हर गुण गावदा जे हर प्रभ भावे। हे प्रभु मैं तेरे दर दा ढाडी हाँ, गीत गाण वाला। गुरु नानक देव जी महाराज अपने आप नूं किसे किसे थां शायर भी कहिंदे, कवि कहिंदे।
उंज ते हर थां ते अपने आप नूं दासन दास कहिंदन, निमाणा कहिंदन, नितणा कहिंदन, लेकिन एक थां ते अपनी शख्सियत दे संबंध च अगर कोई शब्द वरतिया है तो वह यही कि मैं शायर हाँ, मैं कवि हाँ। नानक शायर एह कहत है सच्चे परवरदिगारा। लेकिन आम शायर विच ते रब्बी शायर विच फर्क बड़ा है, अंतरा बड़ा है। ऋषि जो संस्कृत का लफ्ज है इहदे अखरी अर्थ बनदे ने कवि, ते कवि का जे संस्कृत विच अनुवाद करांगे तो बनेगा ऋषि। ऋषि जो है वह कवि है, जो कवि है वह ऋषि है, लेकिन फिर भी जमीन आसमान का अंतर है। जिस दी कविता अनुभव तो आवे वह तो ऋषि है, ते जिस दी कविता सिर्फ सोच दी मुस्तहिक है, जो दिमागी तल तो निकलती है, बस वह शायर है, वह सिर्फ कवि है, वह ऋषि नहीं। अनुभव तो निकली हुई कविता इंज है जैसे झरने का निकलिया होया जल निर्मल होंदा है, शफाफ होंदा है, ठंडा होंदा है, उहदे च रवानी होंदी है। पर जो दिमाग चो कविता निकलती है वह एक हाउस का पानी है, छपड़ी का पानी है, गंदे होंदे हां देर नहीं लगती। इस वास्ते असी देखते हाँ आम कवियां दियां कवितावां पुरानियां हो जांदियां ने। एक दफा सुनीए, दो दफा सुनीए, फिर तीजी दफा सुनन नूं दिल नहीं करदा, पर महापुरुषां दी बाणी रोज रोज भी पढ़िए कदी पुराणी नहीं हुंदी। मनुख पुराणा हो सकदा है, पढ़न वाला पुराणा हो सकदा है, कलाम पुराणी नहीं हुंदी, बाणी पुराणी नहीं हुंदी। कारण कि वह अनुभव तो निकली हुंदी है, वह निरी दिमाग तो नहीं निकली हुंदी। आम विचारकां दा कहना है कि जिहड़ी गल सिर्फ जबान तो निकले वह कन्नां तक पहुंचदी है, जो दिमाग तो निकले वह दिमाग तक पहुंचदी है, और जो आत्मा तो निकले वह आत्मा तक पहुंचती है। तो आत्मा तो उही गल निकलती है जिसनों आत्मा मने। इस गल नू मुहम्मद इकबाल ने भी कबूलिया, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जिहड़ी गल दिल दे डूंघे तल चो निकलेगी वह लाजमी दिल तक पहुंचेगी, उसका बहुत गहरा असर होगा। तो महापुरुषां दे बचन बहुत डूंघे तल तो निकलते हैं, इस वास्ते कदी पुराने नहीं होंदे। आम कवियां दियां रचनावां पुरानियां हो जांदियां क्योंकि तल बहुत डूंगा नहीं, गहराई बहुत महान नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने आप नूं कवि कहिंदन, ते कहिंदन हे प्रभु मैं तेरे दर ते आया कुछ गीत लैके कुछ संगीत लैके। मेरे देखे ते परमात्मा दे दर तक पहुंच ही हो सकता है जिहदे कोल गीत होवे, जिहदे कोल संगीत होवे, जिहदे कोल रोणा है, जिहदे कोल पिटना है, जिहदे कोल वासना है, जिहदे कोल दुखड़े ने, उहदा परमात्मा दे दर तक पहुंचना बड़ा औखा है। परमात्मा दे दर तक ते उही पहुंच सकदा है जो गा सके, गीत गा सके, और कविता ते संगीत दियां धुनां अलाप सके। गुरु नानक गाउंदे गाउंदे सो दर तक पहुंचे ने। गुरु नानक ने गा गा के प्रभु नूं रिझाया है, गुरु नानक ने गा गा के ठग्गां नूं सज्जन बनाया है, दैतां नूं फरिश्ता बनाया है, और मनुखां दे अंदर प्रभु दी जोत जगाई है। गुरु नानक वाहिद संसार दा ऐसा धार्मिक प्रचारक है जिसने गा गा के मनुखता नूं परमात्मा दे नाल जोड़िया है। ये ठीक है परमात्मा दा कोई बहुत गहरा तप गुरु नानक ने नहीं किया, गुरु नानक ने योग साधना नहीं साधी, गुरु नानक ने प्राणायाम नहीं किया, गुरु नानक ने जलधारा नहीं की थी, गुरु नानक ने कोई लंबी चौड़ी भगती नहीं की थी, कीर्तन किया है, गाया है, पर इतने गहरे तल तो गाया है, इतनी एकाग्रता दे नाल गाया है कि गुरु नानक दा गावना ही योग बन गया, गुरु नानक दा गावना ही तप बन गया, गुरु नानक दा गावना ही भगती बन गया। पातशाह दी बड़ी सुंदर पंक्ति भी है, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई, जो मैं तेरा कीर्तन गाया है बस यही जोग है, यही भगती है, यही योग दी साधना है, यही योग दियां विधियां ने। तो साहिब कहिंदे ने हे परिपूर्ण परमात्मा मैं तेरे दर ते कुछ गीत लेके आया, कुछ संगीत लेके आया, तू सुन। ढहो ढाडी हर गुण गावदा जे हर प्रभ भावे, प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवे जावे। सवाल यह पैदा होंदा है कि तू परमात्मा दे दर दे ते गीत संगीत लेके क्यों आया है, किसी होर दे दर ते जा।
साहब कहिंदे होर कित्थे मैं लै के जावां, परमात्मा ते थिर है, नैचल है, बाकी ते सब चलायमान है, मैं कित्थे गावां। शेख शरफ सूफी फकीर ने गुरु नानक देव जी महाराज ते सवाल कीता सी, शुमा मुकाम कुजा अस्त, थोड़ा मुकाम कित्थे है, तुसी कित्थे रहिंदे हो, थोड़ा घर कित्थे है, शुमा मुकाम कुजा अस्त, थोड़ा घर कित्थे है, थोड़ा टिकाणा कित्थे है। उस वक्त मेरे पातशाह ने एक अगम्मी शब्द उचारण किया है, श्री राग विच दर्ज है। साहब कहिंदे ने मुकाम कर घर बैसना, निच नित चलने के धोक, मुकाम ता पर जानिए जा रहे नैचल लोक, दुनिया कैस मुकामे कर सिदक करने खर्च बांधो, लाग रहो नामे। ऐ शेख शरफ किथे मुकाम बनाइए, सब कुछ ते चलायमान है, मैं किथे घर बनावा, दिन रव चले निस सस चले, तारका लख पलोए, मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए। साहब कहने जमीन चल रही है, सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, ग्रह नक्षत्र चल रहे ने, सब कुछ चलायमान है, मैं अपना मुकाम बनावा ते किथे बनावा, सब कुछ चल रहा है, रुकया होया कुछ भी नहीं, रुकण दा ना ही मौत है। शरीर विच श्वास चल रहे ने, मन विच विचार चल रहे ने, जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, वगदी हुई पवन चल रही है, दरियावां दा जल चल रहा है। साहब कहिंदे ने सब कुछ ते चल रहा है, रुकया होया ते कुछ भी नहीं, ते जद रुकया होया कुछ भी नहीं तो मैं कित्थे मुकाम बनावा। पर गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने ये जो सब कुछ चल रहा है किसे रुके हुए आधार ते चल रहा है, नहीं चल परमात्मा है, बाकी सब कुछ चल रहा है, वो केवल टिकया हुआ है, वो नेचल है। तो साहब कहिंदे मैं मकाम किथे बनावा, सब कुछ ते चल रहा है, सब कुछ चलायमान है। शेख शरफ ने कुछ होर भी सवाल किए सन गुरु नानक दे, फकीरी चीज ऐ गुरु नानक दस सकदे हो, फकीर किसनू कहिंदे ने, संत किसनू कहिंदे ने, फकीरी की है। तो साहबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिता, जन्म साखी विच दर्ज है, इब्तिदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त, किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नू मिटा देना और हमेशा दे लई अमर हो जाना, बस यही फकीरी दी निशानियां ने, यही संत दीयां निशानियां ने। उहदे जीवन दा निशाना कोई बहुत उच्चा होवे और उस उच्चे निशाने लई अपने आप नू कुर्बान कर देना, हमेशा लई अमर हो जाना, बस यही फकीर दियां सिफतां ने, इस तो इलावा होर कोई फकीर दियां सिफतां ने। साहिबा ने ऐसे गहरे रूप दे कीर्तन कीता है, इतने गहरे तल तो संगीत कढ़िया है कि आप दा गावना योग बन गया, आप दा गावना तप बन गया, आप दा गावना ही भगती बन गया। इस वास्ते आप दे घर गुरुद्वारियां दे च अज भी कीर्तन प्रधान है, अज भी गावना प्रधान है, गा के गुरु नाल जुड़ना है, गा के अकाल पुरख दे नाल जुड़ना है। रोंदा होया ते बच्चा भी नहीं चंगा लगता, रोंदा होया वड्डा मनुख किस तरह चंगा लगेगा, नहीं, उस दे दर ते जाना है, गाउंदे होए जाना है, संगीत दियां धुना अलापदे होए जाना है, ताही परमात्मा दी गलवकड़ी नसीब हो सकेगी। तो साहिब कहिंदे ने हे अकाल पुरख, मैं ढाडी दी तरह कवि दी तरह तेरे दर ते आया, हुण ढाडी हर गुण गावदा जे हर प्रभ भावे, प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवे जावे, सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लै जावे। हे गुसाई, हे संसार दे मालिक, मेरी झोली विच ओ सौगात पा जिदे मिलदियां ही सारियां ही भुखां दा अंत हो जाए, क्योंकि भुख है जिथे ते उत्थे दुख भी होवेगा, भुख ते दुख कट्ठे ही रहिंदे ने, धन दी भुख है दुख है, औलाद दी भुख है दुख है, प्रभता दी भुख है दुख है। दुख भुख नू जन्म देंदी है और भुख दुख दे आसरे ते खड़ी, ये दोनों दा चोली दामन दा साथ है, जिथे भुख होवेगी उत्थे दुख दा होना लाजमी है, कुदरती है। सहल कहने हे परिपूर्ण परमात्मा, तू ऐसा दान मेरी झोली च पा कि भुख दा अंत हो जाए, ताकि भुख दे आसरे ते जो दुख खड़ा है उस दुख दा भी अंत हो जाए। है एक ऐसा पदार्थ जिदे नाल सारियां ही भुखां मिट जांदियां, साच नाम आधार मेरा जिन भुखां
सब गवाइयां। तो साहब कहने में सो मंगा दान गुसाइया जित भुख ले जावे। हे गुसाई मेरी झोली दे च ऐसा दान पा जिस दान दे मिलदे आ तमाम भुखां दा ते दुखां दा अंत हो जाए। अगां शब्द की पंक्ति बड़ी कीमती है। अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावे। कवि दी कीर्तनी दी ढाडी दी अरदास अकाल पुरख ने सुन ली। बुलाया आख्या की चाहिदा मंगो की चाहिदा। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान प्रभ देख दया दुख भुख लथी ढाडी को मंगण चित ना आवे। साहबां दा फरमान हे प्रभु तैनू देखदे आई भुखां दा अंत हो गया दुखां दा अंत हो गया हुण मैं की मंगा। हुण ते अंदर कोई मंग रही नहीं तू सामने आया सारियां ही भुखां मिट गईयां सारे दुख मिट गए ने। दरअसल परमात्मा दा मिलना ही सुख दा मिलना है। सुख दा मिलना नहीं है क्योंकि सुख है परमात्मा दे नाल जुड़िया होया है संसार दे नाल जुड़िया होया नहीं। कदी असी कह देंदे आ सानू सुख मिलिया है नहीं परमात्मा दा मिलना ही सुख दा मिलना है। केवल सुख दा मिलना नहीं है। तो साहब कहंदे ने जिस वक्त परमात्मा मिलदा है सब कुछ मिल जांदा है। मंग मनुख दे अंदर रहेगी चाहे संसार दी होवे ते चाहे करतार दी होवे। धार्मिक दुनिया दे च चार पदार्थां दी बड़ी अहमियत मनी जाती है। दो पदार्थां दा संबंध संसार नाल है ते दो पदार्थां दा संबंध अध्यात्मक नाल है। जिन्हां दो पदार्थां दा संबंध संसार नाल है वह हैं धन ते काम। जिन्हां दो पदार्थां दा संबंध अध्यात्मक नाल है वह है धर्म अर्थ काम मोख। वह है धर्म ते मोक्ष जिसका संबंध अध्यात्मक नाल है। कहिंदे ने ज्यों ज्यों बंदा धर्मी बनता है त्यों त्यों उसनू मोक्ष की प्राप्ति होंदी। उसके बंधन टुटते हैं। बंधन की ने शरीर नू बीमारिया के बंधन ने मन नू विकारां दे बंधन ने आत्मा नू जन्म ते मरण का बंधन है। जैसे जैसे बंदा धर्म के गहरे तल विच जांदा है बीमारिया के बंधन तो शरीर आजाद होंदा है विकारां दे बंधन तो मन आजाद होंदा है और जन्म मरण के बंधन तो जीव आत्मा आजाद होंदी है उन्हों मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष परम उपलब्धि है। मोक्ष तो बिना और कोई ऐसा फल नहीं जिस दे इतना स्वाद होवे रस होवे। तो ज्यों ज्यों धर्म वधदा है त्यों त्यों मोक्ष वधदा है और ज्यों ज्यों धन वधदा है त्यों त्यों काम वधदा है। सिर्फ धन है ते धर्म नहीं ऐसे बंदे का कामी हो जाना अति कामी हो जाना कुदरती गल। तो जैसे जैसे घर विच धन वधे नाले धर्म भी वधे तां ही संतुलन कायम रहेगा वरना तवाजन डावांडोल हो जाएगा संतुलन बिगड़ जाएगा। जितनी सीमा विच धन वधे उतनी ही सीमा विच धर्म वधे तां फिर की होवेगा। जितनी सीमा विच काम वधेगा उतनी सीमा विच मोक्ष भी वधेगा। और ये चार पदार्थ मन्ने गए ने चार पदार्थ दे मिलदियां ही मनुख माला माल हो जांदा है। दो पदार्थ संसार दा सुख पैदा करदे ने और दो पदार्थ अध्यात्मक रस नू जन्म देंदे ने आत्मा दे खेड़े नू जन्म देंदे ने आत्मक प्रसन्नता नू जन्म देंदे ने। इह ते ठीक है कि मनुखी तन वास्तविक तीन हस्तियां दा मजमू है शरीर मन आत्मा। शरीर दा जो शरीर नाल मिलन है पदार्थ दा जो पदार्थ नाल मिले ना है क्योंकि शरीर स्वयं एक पदार्थ है पंज तत्तां दा पुतला है पदार्थां दी बणतर है। पदार्थ दा जो पदार्थ नाल मेल है शरीर दा जो शरीर नाल मेल है इत्थों जो रस पैदा हुंदा है इसनू काम रस कहिंदे। मन दा जो मन नाल मेल है इस मेल तो जिस रस दा जन्म हुंदा है इसनू प्रेम रस कहिंदे ने। ते आत्मा दा जो परमात्मा नाल मेल है इस मेल तो जिस रस दा जन्म हुंदा है इसनू भगती कहिंदे ने। भगती रस शिखर दा रस है। भगती रस सब तो उच्चे दा रस है। काम रस पशुआं दी दुनिया च भी है पंछियां दी दुनिया दे च भी है कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया दे च भी है। अगर इस रस तो मनुख उच्चा नहीं उठिया तो फिर पशुआं दे तल ते खड़ा है। मनुखता दे तल ते बंदा उदों पहुंच जांदा है जद प्रेम दी दुनिया च पहुंचदा है।
तो सिर्फ कामना का संबंध गुरु नाल जोड़ना यह संबंध कोई बहुत उच्चा नहीं, पर गुरु के विचार नाल अपने विचार जोड़ लैने, गुरु के मन नाल अपना मन जोड़ लेना, तो दो दिलों के जुड़द्या दो विचार के जुड़द्या प्यार का जन्म होंदा। जिस दिन दो विचार एक हो जाते हैं प्यार पैदा होंदा, उत्थे स्नेह का जन्म हो जाता है। प्रेम ते स्नेह एक बहुत वड्डी तृप्ति दे जांदी है। साहिब कहिंदे ने जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए, प्रेम दे नाल तृप्ति मिलती है। लेकिन परम आनंद परम प्रसन्नता उदों ही मनुख नूं मिलती है जब आत्मा का परमात्मा नाल मेल होवे, आत्मा का परमात्मा नाल मिलन होवे। तो साहिब दी बाणी दा इह फरमान प्रभु चिंतन दे नाल मनुख दी झोली चार पदार्थां नाल भर जांदी है, उन्हों धन भी मिल जांदा है, कामना दी पूर्ति भी हो जांदी है। प्रभु चिंतन दे नाल धार्मिक तौर ते जो नाम दा रस आनंद है वह भी झोली च पै जांदा है और मोक्ष दी प्राप्ति हो जांदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे, ऐ बंदे जे तैनू चार पदार्थ चाहिए ने, इन्हां पदार्थां दे नाल जे तू अपनी झोली भरना चाहना है तां सतसंग दे च आ, गुरु दी शरण दे च आ। गुरु दी शरण सतसंग दा रस और गुरमत दीआं विचारां तेरी इस झोली नू चार पदार्थां नाल भर देणगीआं। ते इन्हां पदार्थां तों कोई होर उच्चा पदार्थ है नहीं। जिस वक्त धन ते कामना दी पूर्ति हो जाए संसार तो मनुख उच्चा उठता है, सब कुछ मिल गया। ते जिस दिन धर्म ते मोक्ष मनुख नूं मिल गया उस दिन ते बंदा उस सिंघासन ते जा बैठता है जिस सिंघासन ते परमात्मा आप बैठा है। भगत कबीर कहने अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई न सके पहचान।